Thank you.
चालू बंद कर रहा है क्या क्या लाइट चालू करो क्या बोल टिकटॉक पे टिकटॉक लाइट कौन मारा भाई
कौन लाइट इतना मिल रही फिर भी मारने कौन है सर आप आइए अरे बैठ जाओ यार ए दादा अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी और एक्चुअली क्या है कि जहाँ से कहानी शुरू होती है वो उसकी फाउंडेशन पूरी पिक्चर की बन जाती है। फिर उन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट लिया भारत का कि भारत स्टैंड फॉर व्हाट, वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से उसको निभाया है, पेश किया है। लेकिन बीच में जो सर्कस के कॉन्सेप्ट आ गए, सर्कस के खेल आ गए या तेल मिडल ईस्ट में जाके काम करने के या माल बनने का, उसके जो मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट है उसको लेके उन्होंने पिक्चर में मसाला ज़रूर डाला है, क्योंकि ये कमर्शियल पिक्चर है, इट्स नॉट ऑन दैट सीरियस सब्जेक्ट। लेकिन अखीर में फिर वो जब फैमिली रीयूनियन होती है, उनकी बहन उनको मिलती है, उसमें सुपर बहुत बढ़िया अच्छी तरह से पेश किया है। कैसी लगी आपको सलमान खान की एक्टिंग? बहुत ही अच्छी, इज अ सुपर हीरो, वो कहने की बात नहीं है। हमारे कहने से वो इतने बड़े हैं कि उनकी एक्टिंग की दाद देनी हर कोई देता है तो हम भी देंगे। हैं जी भी है, हाँ वो भी है, अच्छी है। मैंने तो कभी अभी पिक्चर देखता नहीं हूँ, पहले मैं सेंसर बोर्ड में भी था, लेकिन देख के पहली बार बहुत ही अच्छा लगा, कई सालों के बाद आज मैंने देखी है। बिल्कुल आनी चाहिए। हाँ लेकिन क्या है कि हम लोगों ने पार्टीशन को देखा है, हम लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, 47 में इधर आए और हमने जलते हुए मकान देखे, हमने उन लोगों को घासले डाल के जलते हुए देखा है जिनको दंगों में मारा गया, और जब वो शमशान भूमि से वापस आ रहे थे तो उन पर तेल डाल के उनको जलाया, ये मैंने लाहौर में अपनी आंखों से देखा है। और हमने यहाँ से काफले जाते हुए देखे, वहाँ से आते हुए देखे, और हमने पार्टीशन के बाद ही बॉर्डर क्रॉस किया है वाघा का, तो ये सब
पुरानी बातें आंखों के सामने आती हैं तो दुख होता है, क्योंकि उस वक़्त जो हुआ उसको अवॉइड किया जा सकता था। पिक्चर में उन्होंने कहा कि एक कमरे में बैठ के वो सरहद बाउंड्री खींची गई, इसका और वो फैक्ट है हिस्टोरिकल। तो ये एक ट्रेजेडी है, बिगेस्ट ट्रेजेडी इन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप सलमान खान से मिलने वाले हैं, अभी आपको मिलाया जाने वाला है, तो क्या शेयर करेंगे आप ये फिल्म देखने के बाद उनके साथ? जो वो पूछेंगे वो बताएंगे। हमारी दास्तां तो 3 घंटे की इन्होंने फिल्म बनाई है, अमेरिका वालों ने आर्काइव उन्होंने रखे हैं। चलिए, 5 में से कुछ स्टार भी देना पसंद करेंगे? हैं जी, 5 में से कुछ स्टार भी देना पसंद करेंगे? क्या देना? 5 में से 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 4। देखिए फिल्म आपने भारत, तो आप बताइए कि ये जो पार्टीशन के ऊपर फिल्म बनाई गई है भारत, आप बताइए आपको कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब भी मैं भी पाकिस्तान से हूँ, वहाँ जब भी जो मैं भी तो ट्रेन में चढ़ के आया था, और ये हालत थी, मैं तो अंदर डब्बे में था, तभी मैं छोटा था, 9 वर्ष का था तभी, तो हुला गुला तो अभी तक याद है। और हम 4 दिन तो रहे, तो स्टेशन पे रहे, जो स्टेशन पे जो देखा जो भागम दौड़ी हमेशा चलती रहती थी सारा दिन, तो वही देख के मेरे को याद आ गया, और बीच में मेरे को तो देख के रोना भी आ गया, क्योंकि याद आ गए मेरे पुरानी बातें। क्योंकि आपने बताया कि आप डिब्बे में थे, डिब्बे में वहाँ से जब आप निकले, ट्रेन निकली, तो भारत में तकरीबन कितने घंटे में पहुँचे आप? नहीं, वो मुझे याद नहीं, हम तो शाम को करीबन था, और दूसरे दिन सुबह को हम पहुँचे थे मारवाड़ स्टेशन पे, पर वही याद है इतना। बाकी हैदराबाद से निकले थे हम, हैदराबाद स्टेशन से। चलिए, फिल्म आपने भारत देखी, बताइए सलमान खान की एक्टिंग आपको कैसी लगी? एक्टिंग बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग है, अच्छा एक्टर है। कटरीना कैफ का वो जो लड़की है, हाँ पहले ठीक थी, सलमान का ज़्यादा अच्छा था। हाँ, तो आप मानते हैं कि ये जो फिल्म बनाई गई है पार्टीशन के ऊपर, इस तरह से और भी फिल्में आनी चाहिए, क्योंकि आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, उन्हें पता होनी चाहिए और इन सब बातों के बारे में? इनके आजकल के बच्चों को मुझे याद नहीं, मगर मालूम नहीं उनको अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा, ये डिपेंड अपन दैट पोजिशन, अपना हिंदुस्तान और पाकिस्तान का रिलेशन कैसा है। अगर वही अच्छा रिलेशन रहेगा तो ऐसी मूवी और आती रहेगी। ये अच्छा बनाए फिल्म तो इसी के बेसिस पे कि रिलेशन अच्छा रहे हमारा। और एक ये कि आप अब सलमान खान से मिलने वाले हैं, आपको मिलाया जाने वाले हैं, हाँ हाँ, उनसे मिलने के बाद आप क्या बातें करेंगे, क्या अपनी मेमोरी शेयर करेंगे, उन्हें कुछ कहने के लिए कुछ आप शब्द लाए हैं आप उनसे? कहने के लिए कि सलमान को मुझे याद है, जब भी मैं खार 16 रोड पे चल रहा था, तभी सलमान को देखा गाड़ी में, और मालूम नहीं कौन सा गाड़ी थी, मगर आगे बैठा था, खुद ही चला रहा था, तभी उसको देखा, देख के मैंने, भाई ये तो सलमान है, तो पूछूंगा भाई वही तो है, तभी का याद है मुझे, अभी तक सलमान वही है या सलमान दूसरा है। अच्छा, ये फिल्म को लेकर लोग 5 में से कुछ एक स्टार भी देते हैं, आप कितने देंगे? मैं 4 स्टार दे दूंगा, 4 स्टार, 5 स्टार भी चलेगा, 4 स्टार तो है ही जरूर। भी आ गई है टाइम पे।
बहुत अच्छी है, बहुत वेरी नाइस। हाँ सलमान खान अच्छा है, बहुत बहुत एक्टिंग अच्छी है, बहुत अच्छी। हाँ हाँ अच्छी है, शी इज़ वेरी सिंपल एंड ऑल ना इसमें। हाँ सुनील ग्रोवर नहीं, हाँ कॉमेडी वाले, हाँ कॉमेडी वाले, हाँ हाँ। नहीं मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे हस्बैंड को याद है, मैं 6 साल की थी, याद नहीं है इतना मेरे को। लेकिन मेरे पेरेंट्स सब उधर से आए थे, सब बॉम्बे में, बॉम्बे में आए हैं। फिर भारत को 3 स्टार, यस। अच्छी लगी, अच्छी लगी। सलमान खान अच्छा था, कैटरीना कैफ वेरी ब्यूटीफुल, या सुनील ग्रोवर, व्हिच वन वाज सुनील ग्रोवर, कॉमेडी वाले, हां गुड, ओके ओके गुड। नहीं मेरी मेमोरी नहीं है, आई रिकॉर्ड मेमोरीज फॉर पार्टीशन आर्काइव्स, तो मैंने काफ़ी मेमोरीज रिकॉर्ड की, इनकी भी रिकॉर्ड की, अब उनसे बात करिए क्योंकि वो जाते हैं। हाँ तो इट वॉज लाइक यू नो लॉट ऑफ इट वॉज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैड हैपेंड टू पीपल। सबसे दूर तो नहीं है, इससे तो कहीं ज़्यादा हुआ, ये थोड़ी बहुत दिखाई है, बहुत। इफ़ यू टॉक टू पीपल जिन्होंने पार्टीशन देखा है, बहुत हुआ है ऐसा तो, और वैसे ही दिखाया है इन्होंने, तो था काफ़ी सारा वैसा था। ज़रूर आनी चाहिए बिकॉज पीपल को, लोगों को पता चलना चाहिए था क्या हुआ था उस टाइम। हैं 2-3 फिल्में बनी हैं, गर्म हवा बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी, सीरियल भी बना था, बुनियाद वगैरह था, काफ़ी अच्छे थे, तो बट आई थिंक लोगों को जानने की ज़रूरत थी कि क्या हुआ था एंड हाउ आर कंट्री वॉज फॉर्म, कितना लोगों ने सेक्रीफाइस किया है और किस हिसाब से यू नो हाउ मच लोगों यू नो, और नॉट जस्ट पंजाब में भी हुआ, सिंध में भी हुआ, सिंध के लोग आए यहाँ पे, उनका तो लैंड ही चला गया था, तो बहुत कुछ उस हिसाब से आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। ये जो पार्टीशन के जरिए सलमान खान ने फिल्म बनाई है, लोगों को एक मैसेज दिया है, इसे लेकर आप सलमान खान को क्या? गुड अटेम्प्ट। सो यू नो दिखाया है कि इट वॉज़ नॉट जस्ट वन साइडेड, दोनों साइड की तरफ से दिखाया है एंड भाईचारे के बारे में दिखाया, तो इट वॉज़ इंटरेस्टिंग, दैट वॉज अ गुड वे टू शो इट। हम तो मिलने जा रहे हैं शायद, हाँ, तो अभी नहीं, लेट मी जस्ट बी विद, ओके ओके थैंक यू। एक्सेलेंट सर, गुड एग्जीक्यूशन, गुड डेपिटिंग, वेरी वेरी नाइसली ही हैज डन इट, एंड इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर ओल्ड डेज, हाउ वी लिव्ड, हाउ वी केम हियर। टुडे जनरेशन डजंट नो, बट वी फील thrilled, you know, these are things which happen and they reminded us like that way. Salman Khan ki acting pasand aayi, bahut achhi thi, bahut achhi. See, he has executed nicely, he depicted things properly, what really happened, a realistic picture. Katrina Kaif, see, she is also good acting. See, her acting also is a very well taken, means I liked it also, style, way of expression and emotional expression, very nice. Partition ke upar film banayi hai, dikhayi hai, aapki koi aisi memory hai partition se related? Haan, kyun, main udhar hi, main 8 saal ka tha, tab bhi India mein aaya, I was 8 years old, so 4th standard. ट्रेन की आई वी डी, दिस इज ऑल्सो मोस्टली लाहौर साइड, वी केम फ्रॉम सिंध टू राजस्थान उदयपुर, वो वी डिडंट विटनेस दिस टाइप ऑफ स्टोरी। अब बोलते हैं जो मिलेंगे तो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हाँ, आपको यहाँ से सलमान खान के पास ले जाया जाने वाला, मिलते ही आप क्या कहेंगे आपकी उसके ऊपर? मैं उनको कांग्रेचुलेशन दूंगा कि ऐसी अच्छी फिल्म बनाई है
otherwise it is old days are forgotten. He is reviving the memory, how film makes the people from other side, this side, to recognize each other and express. It's a wonderful experience, which is expected to be shown by both the countries now. हमने मेमोरी पहले ही बता दी है इनको 1947 का जो ये लोग लेते हैं मेरा इंटरव्यू लिया था हमने उन उसमें बता दिया था क्या हुआ था हमारे साथ पांच में से कितना स्टार देंगे अगर आप इस फिल्म को देंगे मैं पांच ही दूंगा अच्छा थैंक यू थैंक यू थैंक यू यू आर फ्रॉम व्हिच 1947 आर फ्रॉम सलमान फ्रॉम सलमान कि आपने Ma'am, on your first mark, first mark. Katrina on the mark. Hey, hold on. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने जब ट्रेलर देखा था, we loved your camaraderie and chemistry with भाईजान, and now when we see this song, it's like you have a supportive role. मतलब apart from that, it's a meaty role, it's a supportive role also. So you only share some light about your character and what you have brought in the matter of interpretation regarding the character. बाजी इनके लिए भाईजान नहीं है? हाँ जी हाँ जी, हमारे लिए. I think you rightly said. I think what you said is. Yeah, बोलो सब भाईजान भी बुला सकते. I think. बाजी इनके लिए भाईजान नहीं है. हाँ जी हाँ जी, हमारे लिए. I think you rightly said. I think what you said is. Yeah, बोलो सब भाईजान भी बुला सकते. I think what you said is exactly the way it is in the film. That's why, as I said earlier, for me, I really, really count this among one of my best, if not my best, characters that I've gotten a chance to play so far. It's exactly as you said. She's a support
for Bharat's character throughout the film. So her journey also continues on with him in the film. So there was a lot of work. I won't go into too much detail now because I think there's some surprises we want to save for the film. But there's a huge amount of work which has gone into every era in the film, each time, each year, as you're showing, you know, the years go ahead, to get that look right, to get the essence of that time right, and just really to make the character as believable as possible, which I think we spared no effort and we left no stone unturned to try and do the best that we could. Before I come to Salman, sir, there's one comment that came from the fans. Why don't you like or comment Salman sir's pictures on Instagram? Oh. Apparently, this has come across. What? Do you like? So, do you not like and? I mean, I wasn't aware of this, but do you not like and comment on Salman sir's pictures? You know, it's not intentional, but now that you say it, I'm thinking about it, and yeah, I think you need like that. You're commenting on everything. I think. I think you need to maybe up your Insta game. Huh? I think you need to up your Insta game. I get into trouble when I up my Insta game. Okay, so basically we're going to see a few more likes and comments coming across. Like, I'm going to be more attentive to this for sure. She's not like appreciating, not liking any of my pictures. Jo bhi hai, apparently, sir. Apparently. I wasn't aware of this. Apparently, this is what the fans are saying. Whose pictures is she liking? Oh, I haven't really checked that out. But, you know, amazing to see you in so many avatars. I mean, lots of fanboy moments happening for the world. You know, daadi mein dekh rahe Salman sir ko, alag alag avatar mein, you know. This was a really big thing for you to also carry on. As an actor also, I think it must have challenged you the most. I mean, would I be wrong in saying challenged you the most in the longest time? Even more than Sultan. Because my dear friend here, our director Ali, I don't think he's ever been to the gym ever. Yeah. Where are you going, madam? When my time to talk is, come you. I'm waiting. Cholo, she can hear behind. So, it was even more difficult than Sultan. Yeah. Difficult is the word. Because in Sultan, we had to do this, putting on weight, losing weight, putting on weight, losing weight, and shooting, gym, shooting, gym, shooting, gym. Out here also, it was pretty much the same, because to look younger, you need to lose those many kilos. And because we produced the film ourselves, so we could not like complete that portion first. Yeah. So we had that portion, then we did that portion and that portion because the set was the same. Let's go bar bar, we couldn't have, you know, dragged it on for long. So then losing weight there, then putting on weight there. So it was very hectic this time as well. Oh, it looks like it, but like I said, kudos to the whole team. It looks fantastic. I'm going to throw it out open to the audience and my entire media friends. I know they want to ask a lot of questions. On the left here, can we have the mics? Actually, we're close enough. If you want, you can stand and ask. I mean, if you want to, yeah. Yeah? Dekha, jab apni tari suno, usi waqt entry maro wapas se. You were just saying that you were beautiful in Ethia. Oh, thank you. On the left there. Not yeah. There. Can I? While we continue, or do you want to? Let me just, because then nobody else will be able to pick up the question. Can we just? Is there a mic? So, sawal to puchha nahi, compliment diya, sawal puchha. No, no, we're good. Thanks. Yeah. Check. Thank you so much. My question to you is ki kyunki aapne itne sare kirdar nibhaye hain 70 years ka, kaun sa ek aisa kirdar hai jo aapke दिल के बहुत नजदीक था और किसको निभाने में थोड़ा ज्यादा चैलेंज आपने फेस किया? देखो, ये जो किरदार है ये मेरे एज के आसपास है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई. ये जो किरदार है मैं काफी अरसे पहले इसको भूल गया था, तो इसको वापस से एक रिसर्च करना पड़ा मेरी खुद की जिंदगी में जाके पुरानी पिक्चर देख कर, और फिर धुंधला धुंधला सा मुझे कुछ याद आ रहा था अपना बचपना, तो उसमें मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है. Hi, Salman. Salman sir, you're centered. Because, you know, that uska chaal, you know, the way, the walk, the swag, the energy, wo sab 20 saal pehle se
का था वो वापस से लेके आना पड़ा। सलमान और ऐसा भी लगना चाहिए कि वो आउटडेटेड नहीं लगे। मेरा सवाल अतुल जी और भूषण जी दोनों से है। स्ट्रेट ऑन द लेफ्ट अगेन एंड वी विल गो स्लो विद द क्वेश्चन। एक पूरा कंप्लीट करने दो आंसर, इट मच इजीियर देन, है ना? प्लीज गो अहेड। ईद का मौका हो और सलमान जी हो तो कंटेंट मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से हमने ट्रेलर देखा इसमें कंटेंट भी बहुत दमदार है, लेकिन काफी लंबी जर्नी है, तो क्या एक क्रिएटिव पर्सन होने के नाते नहीं, दो घंटे तीस मिनट जी जी, लेकिन 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 फिल्म में लंबा है, 70 साल की जर्नी, यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे 30 मिनट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सोने में सुहागा का काम करेगी? ईद और उम्मीद कर रहे हैं, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। भारत तो हार नहीं सकता कभी भी। नहीं नहीं नहीं, मैं कंटेंट के वे में बोल रही हूँ कि कंटेंट भी आपको लगता है, आप लोगों ने जरूर फिल्म देखी होगी, तो मैं भूषण जी और आपसे दोनों से पूछना चाहती हूँ। जी, हम दोनों का वही सेम आंसर होगा कि कंटेंट इसका बहुत बहुत अच्छा है। जब हमने पहली बार फिल्म देखी थी जो कोरियन फिल्म थी, उसी इट वॉज अ सब टाइटल के साथ देखी थी और उसमें ही इतना इमोशन और मीन्स इमोशन आ रहा था कि फिल्म हमने उसी टाइम बोला कि नहीं हमें करनी चाहिए। ये दोनों गलत जा रहे हैं। एक इमोशन भरी पिक्चर आई थी ईद पर तो इसमें बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट है, उसे मद्देनजर रखकर हमने बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट डाला है, इमोशन कम है, लेकिन प्लॉट बड़ा स्ट्रांग है, प्लॉट बड़ा स्ट्रांग है। सो दिस फुल ऑन इंटर, आपने देखा ही है इसके ट्रेलर और प्रोमोज और गानों के अंदर के, इट्स अ फुल ऑन एंटरटेनिंग फिल्म। अतुल जी, दोबारा आपको पर्दे पे हम कब देखेंगे? आपकी ख्वाहिश है ऐसी जरूर कोशिश करेंगे। घर चले जाओ, आप देख लोगे उनको पर्दे। सलमान टुवर्ड्स पर्दे पे देखना है, पर्दे में देखना है, आप वो डिसाइड करो। और दिस जेंटलमैन सर, योर सेंटर, अगर वीरा ने आपको अलाउ कर दिया तो। सलमान सर, योर सेंटर, राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा सेंटर। सर, सर, भारत शब्द नाम सुनते ही सबसे पहले अगर जहन में कुछ आता है तो हमारा देश आता है। सर, आपके लिए गौरव की बात है सर कि आपके फिल्म का नाम भी भारत है और आपके किरदार का भी। देखा जाए तो एक साथ तीन तीन भारत की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, किरदार का, फिल्म का, देश का। तो सर, तीनों को किस तरह से आप एक दूसरे से जोड़ते हैं और कद्र और इज्जत कायम रखने के लिए क्या क्या तैयारी हुई है सर? बड़ा ये अच्छा सवाल पूछा आपने। दोबारा पूछूं सर? नहीं नहीं, अगर अगर आपने वो सवाल दोबारा पूछा तो जवाब भी उसी सवाल में है, जो आपका सवाल था वही जवाब भी था। तो बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का और जवाब देने का। सर, कुछ बोलना चाहेंगे बोलिए। हाँ, मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिक्चर का नाम भारत है, मेरे किरदार का नाम भी भारत है, मेरा कैरेक्टर नाम भारत है और हमारे देश का भी नाम भारत ही है। कटरीना ऑन योर लेफ्ट, सलमान पे भारतीय हैं। सर, दूसरा सवाल ये था, फिल्म में एक डायलॉग है आपका सर कि जितने सफेद बाल मेरे सर पे और दाढ़ी पे हैं उससे ज्यादा रंगीन मेरी जिंदगी रही है। सर, सहमत है सर, क्योंकि ट्रेलर में कुछ झलक दिखा भी है और फिल्म में भी इंतजार कर रहे हैं देखने का। तो सर, फिल्म में जितनी रंगीन आपकी जिंदगी दिखाई गई है, रियल लाइफ में उससे कितना ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कटरीना, सलमान टू ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, सलमान ऑन योर लेफ्ट। कटरीना, वन सेकंड, दिलचस्पी रखते हैं बेटा, वी विल एड्रेस अ क्वेश्चन टू कटरीना। व्हेयर इज दैट? ओके, या कटरीना, हाय, दिस इज सिमरन सिंह हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कांग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर। सो मेरा आपसे सवाल ये है कि हमने जब ट्रेलर देखा था, वी लव्ड योर कैमराडे एंड केमिस्ट्री विद भाईजान, and now when we see this song, it's like you have a supportive role, apart from that it's a meaty role, it's a supportive role also. So you only share some light about your character and what you have brought in the matter of interpretation regarding the character. Baji, inke liye bhaijaan nahi hai. Haan ji, haan ji, hamare liye. I think you rightly said I think what you said is क्या भरोसा, भाईजान भी बुला सकते। I think what you said is exactly the way it is in the film. That's why, as I said earlier, for me, I really, really count this among one of my best, if not my best, characters that I've gotten a chance to play so far.
It's exactly as you said, she's a support for Bharat's character throughout the film. So her journey also continues on with him in the film. So there was a lot of work. I won't go into too much detail now because I think there's some surprises we want to save for the film. But there's a huge amount of work which has gone into every era in the film, each time, each year, as you're showing, you know, the years go ahead, to get that look right, to get the essence of that time right, and just really to make the character as believable as possible, which I think we spared no effort and we left no stone unturned to try and do the best that we could. Salman, towards your left, hi. In one word, basically, saying that this film will get a national award. Seriously, without jokes, dekh lena aap. Because she's so good in the film, she's worked so hard in the film ke ye to nischit hai, tay hai ke agar milega to national award to inhi ko milega. Express Salman, you know, we've often seen that fans are not, you know, they don't get ready to see their superstars age on screen. You know, that happened during Dangal also, right? Amir said that he wasn't ready to become an old person on screen. So for you to play a character who's aged 70, did those doubts come in your mind? Did you have that kind of skepticism? No, because I played it differently. I played it very differently. He was a dadi wadi hai, baal wal hai. He's playing 70, but he's in his 40s. So his bude ka jo swag hai, jo iski energy hai, it's not like a not that kind of buzurg. He's not marhum types buzurg. He's a very young. Yeah. Thank you. You know, one second. I just want to add to that look also. Was there a lot of thought that went into ki mooch kaise honi chahiye, daadi kaise honi chahiye? You know, because it looks, obviously yes, you... Yes, there was. I'm answering that. How many Ali's different side. Mooches did we see? How many different mooches and daadis did you try out? Mooches. Hello. Salman ji. Arre, answer to karne do. Kya Katrina jawab dengi iska? No, Ali, I mean, there was almost never a day on set where I didn't come and see Ali staring at Salman's face and doing this, like this. So much attention has gone on that. So I think it was, there was definitely something very specific in his mind. Actually, you know, wo jo buda wala part hai, wo sabse zyada tricky part hai film ka. Also, that's somewhere, that's the soul of the film. So Salman sir and I were very clear that kahin na kahin jo 70 saal ki zindagi us kirdar ne jiye, wo us ek look mein dikhni chahiye. So jab humne to ek जब आदमी इतने साल जिंदगी जीता है और जिस तरह की जिंदगी भारत का किरदार जीता है एक रॉब है एक पर्सोना है उस किरदार में और उस पर्सोना के लिए हमने बहुत चीजें ट्राई करी कुछ राजू भाई ने बहुत इस टाइम ज्यादा काम किया है जो सलमान सर का मेकअप कर रहे हैं मैंने प्यार किया से तो आई थिंक वही मेकअप अभी भी चल रहा है हेलो मेरा सवाल सलमान जी से है One second. पहले एक सेकंड we'll come back to you. Okay. Yeah. Nice. So lots of thinking today in the questions and answers. Yeah. Nice. कौन सा ऐसा chapter है जो के वापस से दोहराना चाहेंगे हाँ और नहीं दोहराना चाहेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है मेरे लिए क्योंकि मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग रहे और जब तक कि वो नहीं थे जिंदगी में मैं नहीं होता तो इवन जो भी हुआ है मेरे साथ आई एम फॉर्चुनेट के हुआ है मेरे साथ ताकि मैं इस उस उन सब चीजों ने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया हेलो अली मेरा सवाल सलमान जी से है आरती सक्सेना इधर 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 लेफ्ट या कि मतलब लाइक अमिताभ बच्चन जी ने जब फर्स्ट स्टार्टिंग में जवानी में रोल किया था बुढ़ापे का तभी वो बहुत हैंडसम लगते थे और वो कंटिन्यूटी में उन्होंने मेंटेन किया अब आप फर्स्ट टाइम बुड्ढे का रोल कर रहे हैं लेकिन आप भी उतने ही हैंडसम लग रहे हैं लगते हैं 70 में भी आप वैसे ही लगेंगे तो ये आपको ऐसा इमेज के लिए डर लगता है कि लाइक कहीं मुझे लोग बुढ़ा ही ना समझने लगे जी जी
कोई ऐसे मतलब लोग ये ना समझने लगे कि मतलब एजेड हो गए ये रोल देखने के बाद. ये पोर्शन वैसे बहुत कम है फिल्म में और ये सब जो पोर्शंस हैं बहुत ज्यादा हैं तो वैसे लगेगा नहीं. और दिस इज द मोस्ट एंटरटेनिंग पोर्शन ऑफ द फिल्म. मतलब कि अगर एज वाइज के हिसाब से जाओ ऐसे लगे कि ये बूढ़ा आदमी है, मिडिल क्लास बूढ़ा आदमी है, तो अब यहाँ से पिक्चर एकदम बोरिंग सी यू नो हो जाएगी. बट इनका जो एक ह्यूमर है, इनका जो एक स्टाइल है, रोब है, वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इतने सालों का एक्सपीरियंस और इनका एंथुजियाज्म अभी तक मरा नहीं. राइट. नहीं, वही मुझे पूछना था कि अमित जी मुझा मतलब जवानी से बुढ़ापे तक बुढ़े का रोल करते आए हैं, तो आपको ऐसा डर लगता है कि मैं बुढ़े का रोल करूंगा तो मेरी इमेज खराब होगी? बुढ़े में भी मैं जवानी का रोल ही करूंगा. जब मैं 70 का होऊंगा तो मैं स्कूल से निकलूंगा, माँ 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 मैं पास हो गया. अच्छा, मेरा सवाल कैटरीना जी से है कि सलमान जी नहीं चाहते कि आप उनको भाईजान बोले, तो आप कौन सी जान बोलना चाहेंगे? मेरी जान. आजकल क्या हो गया ना कि लोग इमोशन से घबराते हैं. इमोशन को ये समझ के चलते हैं कि क्लीशेड है, सो दे ट्राइंग टू डू डिफरेंट डिफरेंट स्टफ, जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर चलता नहीं है. हम सब इमोशन से जुड़े हैं, हम सब सही और गलत से जुड़े हैं, और ये ग्रास रूट जो हमारा जो कल्चर है हमारे ग्रास रूट से जुड़ा हुआ है, और वो अली में कूट कूट के भरा हुआ है. सो जो लोग इमोशन से डरेंगे उनकी पिक्चरें आई डोंट थिंक यू नो कभी चलेगी. You need that emotion, you need that entertainment, you need the action, you need the heroism, jo ke Ali mein ye sab cheeze hain. Ali, Sunil Grover Ali. And Jackie sir, if you can please briefly tell us about the work. So Sunil Grover is one of the most talented men I have come across, and he's fantastic in the movie. He's there, he's playing my childhood friend. Hum log 8-9 saal ki umar se saath hain end tak ke, so he's done a fabulous job. Ali, this is your third film with Salman bhai after Sultan and Tiger Zinda. So how excited are you? And because a lot of hopes are pinned on the film, so any nervousness, excitement? Hopes. Excited to hai, lekin zimmedari bhi hai. Jaise un sahab ne bola ke film ka naam Bharat hai, aur jab aapki film ka naam Bharat ho aur Salman Khan, Katrina Kaif usme ho, to आपकी एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी है कि जो फिल्म आप बनाएं वो उस नाम की अहमियत रख सके. तो कोशिश हमने करी है साथ मिलके, और आज के वक्त में एक बहुत ही ज़रूरी फिल्म है ये, क्योंकि जैसे एक ट्रेलर में भी लाइन थी कि देश लोगों से बनता है और लोगों की पहचान उनके परिवार से होती है, तो कहीं ना कहीं द होल फिल्म इज़ अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. एकता की बात करती है और कहती है कि देश एक परिवार की तरह है, और जो आदमी अपने परिवार को साथ रख सकता है वो पूरे देश को साथ रख सकता है. हाय सलमान सर, दिस इज रवि. वन सेकंड, बैक टू द मिडिल. फिल्म और टाइटल है भारत, सो दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी शुड बी देयर इन दैट मूवी, दैट नोबिलिटी, दैट ग्रैंडर, दैट हैज टू बी, इट हैज टू बी देयर. वी हैव डन आवर बेस्ट, आई मीन प्रोडक्शन वाइज, दिमाग से, राइटिंग वाइज, हर चीज़ में हमने हमारी पूरी कोशिश की है कि इस फिल्म को कोई सूडो इंटेलेक्चुअल टाइप की नहीं है, यू नो कि वी आर मेकिंग अ फिल्म के बहुत अच्छी लिखी और क्रिटिक्स के लिए है वगैरह. नो, वी आर मेकिंग अ फिल्म फॉर द ऑडियंसेस, जिसमें गाने हैं, रोमांस है, मस्ती है, एक कमिटमेंट है, एक वादा है जो कि निभाता है आदमी. सो उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और फैमिली मैन है, बट मिडिल क्लास आदमी है. ही इज़ नॉट अ बोरिंग मैन, ही सीन लाइफ, ही इज यू नो ट्रैवल द वर्ल्ड, मेहनत की है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डशिप, देयर इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन द फिल्म, एंड बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी है. भूषण सर, आप हर स्केल की फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, मिड बजट, हाई बजट, एंड यू नो
सो जब एक सलमान जैसे सुपरस्टार एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है तो एज ए प्रोड्यूसर आप पे कितना प्रेशर होता है? सॉरी, एज ए प्रोड्यूसर कितना प्रेशर फील करते हैं? मतलब सुपरस्टार लाइक सलमान खान इज वर्किंग विद यू, सलमान भाई फिल्म में हो तो प्रेशर आपको फील नहीं होता है क्योंकि सारी रिकवरी पहले ही हो जाती है फिल्म की. सलमान सर, रवि फ्रॉम राइट इन द मिडल. सलमान सर, रवि फ्रॉम एबीपी न्यूज. सर, अली सर ने एक इंटरव्यू दिया था हाल ही में जिसमें कहा था कि जब इस फिल्म को बनाने की बात हो रही थी तो उन्हें इनिशियली लगा था कि ये फिल्म वो नहीं बना सकते क्योंकि जो कोरियन फिल्म का की सेटिंग है और जो इतिहास है वो अलग है और उसको भारत में ढालना बहुत मुश्किल है, तो वो उन्होंने शायद वो नहीं बनाना चाहते थे. आपके मन में भी कोई ऐसा स्केप्टिज्म था कि आप ये कर पाएंगे क्योंकि इतना इतना बड़ा इतिहास 70 साल का आप दिखा रहे हैं आज़ादी के बाद का? तो जब हमने वो फिल्म देखी थी हमको उस फिल्म का प्लॉट बहुत अच्छा लगा था और वही हमने लिया है. बाकी का वी चेंज एवरीथिंग अराउंड उस वो पिक्चर में इमोशन ज़्यादा था, ह्यूमर कम था, बहुत ही कम ह्यूमर था. तो हमने यहाँ पर फुल ऑन एंटरटेनमेंट डाल दिया है, ह्यूमर डाला है एंड और उसी जैसे कि आप जो इमोशन भी है वो एक खुशी वाला इमोशन है, यू नो, हंसी भी आएगी और आंखों में आंसू भी आ जाएंगे. सो दैट इज व्हाट वी हैव अचीव ट्राइड टू अचीव इन दिस फिल्म. अब तो जब फ्राइडे को रिलीज होगी ईद पर तो पता चलेगा कि क्या इस रिस्पॉन्स है इसका. बस यही है कि अली साहब बस हमारे बहनों का घर नहीं बिकवा दे. एक सवाल और छोटा सा सर, हाल ही में हिना खान जो टीवी एक्ट्रेस है बिग बॉस में दिखी थी और वो आपको बहुत पसंद करती है, हाल ही में वो कान फिल्म फेस्टिवल में गई और एक मैगजीन के एडिटर ने उन्हें ट्रोल करते हुए लिखा कि क्या कान अब चांदी वाली स्टूडियो बन गया है, तो इस तरह का जो क्लासिज्म और एलिटिज्म है उस पर आप क्या कहेंगी? मैं मुझे आई एम नॉट फॉलो, समझ में आया नहीं क्या कौन हिना खान कहाँ गई थी? हिना खान इज एट कान्स एंड अ मैगजीन एडिटर हैड सेड अब कान्स चांदी वाली स्टूडियो बन गया है व्हेन ही पुट अ पिक्चर अप. तो काफी चर्चा हुई थी, कल ही की बात है ये. So he's asking about that. That's very responsible of that editor to to make a comment like that. Sir, samjha nahi matlab aapke answer samjha nahi. Sorry. Hello. Very thoughtful of the editor to make a comment like that on Hina. Matlab I don't understand ki kya kehna cha rahe the. Ki Cannes is Chandivili ya Chandivili has gone to Cannes. I think maybe that was slightly misquoted. There was never anything like that, actually. I was fully Such under the... liar. No. I was fully under the impression that they were actually, had already, they were going to begin the shoot. And as far as to my knowledge, Priyanka was very much in the film. And actually, it was Ali, he called me up and he said that, you know, there's been a little bit of change of plans. There's some reasons for which she's no longer part of the film. And I'm sending you the script and just read it and just react to it. And he put absolutely no pressure. There was no thing like you're a friend, I'm a friend, you know. It was just purely you react to the script. I read the script and I called up Ali and I said, I think this is your best work so far. This is your best script. And I've read all of his scripts. So I said, I think this is your best script. I think it's an amazing character for the girl and I would love to be a part of it. And we just got straight into work. Thank you, Priyanka. Salman sir, to your left. Salman sir. One second. One last question. Salman sir, to your left. Okay, one second. Salman sir, to your left. A sea of emotion in front of me. We can only take one question. Yeah, Salman sir, yeah. To your left. One sec, please. Shukriya, thank you. Aapko bhi, thank you. Haan, wo baad mein decide kiya. Hum picture ka naam Korea to nahi rakh sakte the. All right, we'll wrap up. Thank you guys. Thank you, gentlemen. I'd like to call on stage the co-producer of Bharat and CEO of Real Life Productions Private Limited.